तो एंड्रॉयड 10 के बाद अब फाइनली गूगल ने कुछ दिन पहले एंड्रॉयड 11 को लॉन्च कर दिया है। तो आज के वीडियो के अंदर दोस्तों आपको टॉप 5 बेस्ट फीचर्स दिखाने वाला हूं जो कि आपको नए फीचर्स एंड्रॉयड 11 के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पूरी वीडियो को देखते रहिए एंड एक एक करके बात करते हैं सारे फीचर्स के बारे में। यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा चेंज किया गया है नोटिफिकेशंस के अंदर। तो नोटिफिकेशंस कैसे शो होंगे उसको काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया गया है। अब आपके नोटिफिकेशंस आपके प्रायोरिटी के हिसाब से आपको शो होंगे। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले नोटिफिकेशंस होंगे वो आपको टॉप में शो होंगे, उसके बाद जो उससे कम इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होंगे वो आपको बीच में शो होंगे एंड जो बेकार वाले नोटिफिकेशंस होंगे वो आपको सबसे नीचे साइड पे शो होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपके जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं या फिर कॉन्वर्सेशंस होते हैं वो आप कभी भी मिस नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों, ये है चैट बबल्स का या फिर कॉन्वर्सेशन बबल्स का। तो दोस्तों आपको जैसे फेसबुक मैसेंजर के ऊपर आपको बबल्स के साथ नोटिफिकेशंस या फिर जो मैसेजेस आते हैं आपको वो शो होते हैं, इस फीचर को एंड्रॉयड ने एंड्रॉयड 11 में बिल्ट इन कर दिया है। और अब आपके जो भी कॉन्वर्सेशन वाले एप्लीकेशंस होंगे उनसे जो भी आपको नोटिफिकेशंस आएंगे वो आपको एज अ चैट बबल शो होने वाले हैं। तो मल्टीटास्किंग काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है, आप सिंपली बबल के ऊपर प्रेस करके अपने मैसेजेस को रीड कर सकते हैं, उसको रिप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों, हम लोग कब से डिमांड कर रहे थे कि हमें एंड्रॉयड के अंदर बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर चाहिए। तो एंड्रॉयड 11 के साथ आपको एक बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर भी मिलने वाला है जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी में आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकता है विथ इंटरनल ऑडियो। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है एंड इसको दोस्तों हम लोग हमेशा से डिमांड कर रहे थे क्योंकि काफ़ी सारे फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर देते हैं, लेकिन दोस्तों ये फीचर एंड्रॉयड ने ऑफिशियली अवेलेबल नहीं किया था। दोस्तों इसके बाद जो एंड्रॉयड 11 का फीचर है, यहाँ पे आपको अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं पावर बटन को तो आपके सामने कुछ काफ़ी सारे कंट्रोल्स आ जाएंगे, जो भी आपके ब्लूटूथ कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो सारे आपको शो होने लगेंगे एंड आप डायरेक्टली वहाँ से उसको एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपने अपने फ़ोन के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखा है, जैसे कि आपका टिकट हो सकता है या फिर कोई और इंपॉर्टेंट चीज़, तो वो चीज़ आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। पावर बटन को प्रेस करते ही वो भी आपकी स्क्रीन के सामने आ जाता है एंड अगर आपको उसको किसी को शो करना है तो आप उसको शो कर सकते हैं। इसके साथ आपको मीडिया कंट्रोल्स के अंदर भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा एंड्रॉयड 11 के अंदर। तो अगर आपने अपने फ़ोन को हेडफोन से कनेक्ट करके रखा है तो आप वन टैप पे उसको स्पीकर मोड पे कर सकते हैं या फिर उसको अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारे कुछ एडवांस फीचर्स आपको एंड्रॉयड 11 के साथ मिलने वाले हैं। साथ दोस्तों नेक्स्ट फीचर है कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को अपने कार के साथ वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए अब आपको केबल का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ये भी एक नया फीचर आपको एंड्रॉयड 11 के अंदर मिलता है। इसके साथ दोस्तों आपको प्राइवेसी के अंदर भी काफ़ी चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट्स मिलने वाले हैं एंड्रॉयड 11 में। यहाँ पे एक टॉप फीचर है वन टाइम परमिशन नाम का, यानी कि आप किसी भी एप्लीकेशन को वन टाइम के लिए कोई परमिशन अलाउ कर सकते हैं। तो वो एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर सर्विस को जिसको भी आपने अलाउ किया है बस एक ही बार यूज़ कर पाएगा, उसके बाद परमिशंस ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएंगे। साथ साथ दोस्तों अगर आपने किसी एप्लीकेशंस को काफ़ी सारे परमिशंस अलाउ करके रखे हैं एंड दोस्तों अगर आपने उस एप्लीकेशन को काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं किया है तो वो सारे परमिशंस ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएंगे। इससे दोस्तों जो प्राइवेसी रिलेटेड रिस्क होते थे हमें एप्लीकेशंस की वजह से, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है एंड्रॉयड 11 के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं किया गया है, सिस्टम यूआई उसी टाइप का दिखता है जैसा कि एंड्रॉयड 10 दिखता है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स मिलेंगे। तो ओवरऑल एंड्रॉयड 11 और भी ज़्यादा सेफ, सिक्योर एंड कन्वीनियंट टू यूज़ होने वाला है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।